मुंबई में लगातार भारी बारिश के चलते दो अलग अलग इलाकों में दो इमारतें ढह गईं, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पहला हादसा दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में हुआ, जहां एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां अभी तक मलबे से 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ के मुताबिक हादसा दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला भानुशाली अपार्टमेंट में हुआ। अब तक 24 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि फंसे हुए लोगों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक यह इमारत पहले से ही बेहद खतरनाक श्रेणी में थी और कुछ दिनों पहले ही इसकी मरम्मत भी करवाई गई थी। इसी तरह पश्चिमी मुंबई में मलाड उपनगर के मालवानी में भी एक 3 मंजिला चौल ढह गई। अधिकारियों के मुताबिक 3 मंजिला पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में फंसे अन्य 5 घायल लोगों को बचा लिया गया है। वहीं गुरुवार रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया। उनसे पहले आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर और स्थानीय सांसद अरविंद सावंत भी मौके पर पहुंचे थे। मुंबई में पिछले एक हफ्ते से लगातार तेज बारिश जारी है। दक्षिण मुंबई के कोलाबा मौसम केंद्र में 121.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई के पश्चिमी उपनगर सांता क्रूज मौसम केंद्र के मुताबिक इसी दौरान 96.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा थाने और बेलापुर में 35.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भी मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।